चलो चलते हैं टाइम ज़ाया किए। ये चढ़ाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मिस्टर बेरन व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जाएंगे, आज मेरे साथ मेरा दोस्त शुएब भी होगा इस वीडियो में। हम काका सैफ जाएंगे, आपको आज काका सैफ दिखाएंगे ज़िला नौशेरा का। तो चले हमारे साथ चलते हैं। तो इस वक्त हम बाइक पे रवाना हुए हैं आर्मर कॉलोनी से और हम जाएंगे काका सैफ की तरफ। दोस्त शुएब के साथ बाइक पर आज हम आपको नौशेरा ज़िला नौशेरा का काका सैफ दरबार काका सैफ गाँव दिखाएँगे। आर्मर कॉलोनी से हम निकल गए हैं, शॉर्टकट रास्ते से उधर निकलेंगे कमलार बाजू मदीना कॉलोनी के रास्ते से अभी जाएंगे। ये आर्मर कॉलोनी है। हम जा रहे हैं काका सैफ की तरफ। ये काका सैफ रोड है, ये शुएब है, ये मैं हूँ और हम जा रहे हैं काका सैफ। ये पैराडाइज सिटी डांसिंग पार्टी चल रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम काका सैफ के रास्ते में है वली चौक। मेरे साथ मेरा दोस्त आज के साथ मेरे साथ भी है शुएब खान और हम दोनों जाएंगे बाइक पर। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ मौज मस्ती हो रही थी, डांसिंग भी आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम जाएंगे आगे। ये तो चलो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे जाएंगे। आपको नज़र और ये तो वजन ज़्यादा है मेरा खतरनाक चढ़ाई है। हमारे पास ट्रेन ड्राइवर है शुएब खान। ये चढ़ाई नौशेरा कैंट से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासिले पर है। रास्ते में आपको देखो माल्टे नीचे माल्टे और ये नजर आएंगे जो अमूमन यहाँ के मशहूर माल्टे हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। यहाँ बागात ज़्यादा है रास्ते में, माल्टो बागात बागात कम दिख दे। हाँ ये देख सकते हैं आप, ये माल्टे के बागात इर्द गिर्द जितने भी है ये सब माल्टे के बाजार होते हैं और बहुत मीठे और मशहूर, जहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर जाते हैं। रास्ता किया हुआ है और सब जो आपको नजर आ रहा है दरबार है।
ये देखिए तो ये तो बदलो अंदाज से बता दूँ वीडियो में। तो हम दरबार पहुंच गए, ये बाजार है दरबार के साथ, तो ये दरबार की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ता गया हुआ है दरबार की तरफ, अभी हम दरबार में पहुंच गए, बोल जाएंगे आपको दिखाएंगे दरबार। यहाँ पर ये लंगर खाना है, ऊपर जाएंगे दरबार की तरफ। ये दरबार की तरफ ये आप देख सकते हैं, ये एरिया इसके साथ। तो ये मेंस पे तो ये आप देख सकते हैं हम दरबार में इस वक्त खड़े हैं। आगे दरबार है, अब दूसरा कमजोर आप वसरी उधर अलीम गुल बाबा के मज़ार पर हम जाएंगे, उससे फिर वापस होके इधर दरबार आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये छोटे छोटे शॉप, छोटा सा, तो हम बाज़ार में जा रहे घूमेंगे, आपको बाज़ार भी दिखाएंगे। छोटा सा बाज़ार है, इसमें बच्चों के सामान, तो ये एक मज़ार है, इसके पीछे हम जाएंगे अंदर, इसका हिस्ट्री मालूम करेंगे। रकम ही हो बाबा मज़ार दे, अलीम गुल बाबा के मज़ार पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बाबा को भी लेकर आया है, ये अलीम गुल बाबा का मज़ार यहाँ पर है। यहाँ बहुत पुराने कब्र आपको नज़र आएंगे। अलीम गुल बाबा के मज़ार पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, उस वक्त हम आपको अलीम गुल बाबा के मज़ार पर लेकर आए हैं, आपको दिखाने ले जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये दरबार के बाहर हम खड़े हैं, अंदर में आपको ले जाना चाहता था लेकिन कैमरे पर पाबंदी है, तो इसलिए बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये दरबार के अंदर के मनाजिर है, ये कब्रिस्तान है, ये बाहर नीचे दरबार से अभी नीचे वापस हो गए हैं, तो दरबार में तो ऐसा कैमरे पर पाबंदी थी, तो इसलिए अंदर से आपको दिखा नहीं सका, तो वापस चलते दरबार के बाहर। दक्षिण
ये काका साहब का एरिया है, हम इस वापस हो रहे हैं, तो हम वापस हो रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद के लिए बाईपास रास्ता किया हुआ है और ये यहाँ नौशेरा से आया हुआ है, स्टेशन इसके साथ करीब है और बिल्कुल इसी तरफ ये रास्ता काका साहब की तरफ गया है, बिल्कुल सीधा बदरशे और बदरशे से फिर काका साहब की तरफ रास्ता किया हुआ है। और इस वक्त हम वापस हो गए, आप लोगों को काका साहब का रास्ता और दरबार के एरिया और काका साहब दिखाया, यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें मिस्टर बेरन व्लॉग, ताकि मैं इस तरह वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। ये मेरे साथ आज का मेहमान शुएब को भी याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। हम वापस जा रहे हैं तो चलो टाइम हो गया, इस तरह मैं इस तरह साइड से बैठ जाऊं क्योंकि फिर ये हमारा ड्राइवर साहब गुस्सा होता है। तो चलो चलते हैं, हम निकल गए हैं, हम नौशेरा कैंट पहुँच गए हैं, अभी हम जाएंगे आर्मर खान। और आखिरकार हम घर पहुंच गए हैं।